हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा विजया बैंक के यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है चीफ मैनेजर के बारे में, यहाँ पे उसकी उस पोस्ट के लिए मैं बात करूंगा, उस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पेज में आना होगा। तो दोस्तों, इसका जो करियर पेज है, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस पेज में आ सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए इसका जो रिक्रूटमेंट है चीफ मैनेजर, इसका मैं ऑफिशियली जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिफिकेशन है, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं बताऊँगा किस तरह से आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं या कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं विजया बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे आप लोग बहुत यहाँ पे जो कि रिक्रूटमेंट हर वक्त निकलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट के और नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे चला है, PDF फाइल जो है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो निकला लिखा हुआ है विजया बैंक हेड ऑफिस बेंगलोर 56001 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, पोस्ट जो है यहाँ पे चीफ मैनेजर के यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है। ऑनलाइन के एप्लीकेशन आप 24 अक्टूबर 2018 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो है इसका 9 सितंबर 2018 तक। तो इसके साथ साथ लास्ट डेट ऑफ रिसीव प्रिंट जो कि है 23 नवंबर 2018 में आप कर सकते। इसके साथ साथ पोस्ट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते चीफ मैनेजर फॉरेक्स डीलर जो कि स्केल है 4, इसका सैलरी रहेगा 50,000 से 59,170। उसके बाद है चीफ मैनेजर इक्विटी डीलर जो कि स्केल है 4, इसका भी सैलरी सेम रहेगा। उसके बाद है चीफ मैनेजर क्रेडिट रिस्क, इसका भी स्केल सेम और सैलरी भी सेम रहेगा। तो इसका जो वैकेंसी है सब कुछ में 1-1 में वैकेंसी जो कि है इसका। तो दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट के। तो दोस्तों, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जो 4 पोस्ट निकला हुआ है, चीफ मैनेजर फॉरेक्स डीलर, चीफ मैनेजर इक्विटी डीलर, चीफ मैनेजर क्रेडिट रिस्क, चीफ मैनेजर ऑपरेशनल रिस्क, तो यहाँ पे मिनिमम एज जो कि है 30 और मैक्सिमम एज जो कि है 40। तो आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपको जस्ट ध्यान रखना होगा आपका जो एज है यहाँ पे 30 to 40 ईयर्स के अंदर हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको बताऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मस्ट इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, उसके साथ आप नेपाल या भूटान से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो कि एडुकेशन और क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे बोल देता हूँ कि चारों पोस्ट के लिए क्या क्या आपको एडुकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट पोस्ट जो है चीफ मैनेजर फॉरेक्स डीलर के, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए। उसके साथ साथ CAII डिप्लोमा इन ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, उसके साथ लिखा हुआ है डिजायरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA MBA फिनेंस, ICWA, CFA, DILIN, G सर्टिफिकेट ऑफ ACA। तो सेकेंड पोस्ट जो है चीफ मैनेजर इक्विटी डीलर, इसके लिए भी आपको सेम जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन पास, उसके साथ साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको डिप्लोमा इन ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट CAII डिजायरेबल जो कि है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA MBA फिनेंस। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है चीफ मैनेजर क्रेडिट रिस्क, जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MBA इन फिनेंस, CA CFA, MSc स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड जो है उसके बाद है CAII डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, डिजायरेबल जो है सर्टिफिकेशन इन FRM, PRM, नॉलेज सर्टिफिकेट इन SAS सॉफ्टवेयर सुइट। तो फोर्थ पोजीशन में जो पोस्ट है चीफ मैनेजर ऑपरेशनल रिस्क, जिसका आप क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MBA इन फिनेंस, CA CFA, MSc स्टैटिस्टिक्स, CAII डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, डिजायरेबल सर्टिफिकेशन इन FRM, PRM, नॉलेज सर्टिफिकेट
इन SaaS SPSS एप्लीकेशन। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस जो कि है फर्स्ट जो कि पोस्ट है उसके लिए आपको 7 इयर्स के आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ साथ 3 इयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इन फॉरेक्स मार्केट, इसके साथ साथ सेकंड पोस्ट में भी आपको सेम आपको एक्सपीरियंस चाहिए 7 इयर्स की बैंकिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद थर्ड जो है वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए द incumbent should be in the scale of MMG2 or equivalent with the minimum 7 years banking experience। तो आपको अगर इसमें चार पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते आपको यहाँ पे 7 years की बैंकिंग जो कि एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, फर्स्ट जो है ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट एंड डेरिवेटिव्स, सेकेंड जो है ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स, थर्ड जो है क्रेडिट रिस्क एंड फोर्थ है ऑपरेशनल रिस्क। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि है यहाँ पे आपको द मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी थ्रू द इंटरव्यू, हाउएवर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड द बैंक मे रिजर्व द राइट ऑफ कॉन्डक्ट ग्रुप डिस्कशन राइट रिटन टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू इन केस नीट इट फेल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग आपको आपको समझ आया गया है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन हो गया है। अगर आपका शेयर जो कि एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद रिटर्न टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन भी होगा। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पे है 100 रुपीज़ फॉर SC ST PWD के लिए और 600 रुपीज़ फॉर OBC एंड जनरल वालों के लिए। तो दोस्तों इसके बाद अगर कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ और कुछ है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख ले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड आपको है तो आपको ऑनलाइन में आपको जो कि अप्लाई करना होगा। 24 अक्टूबर 2018 से शुरू हो गया है और 9 सितंबर 2018 में आपको ये जो कि फॉर्म लास्ट डेट है। तो ये था आपका रिसेंटली जो कि विजया बैंक से और रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों और एक बात, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते। थैंक यू फ्रेंड्स।